ओम नमः शिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष शनिवार त्रयोदशी तिथि सुबह 6:30 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज हस्तिनी नक्षत्र में दोपहर 1:45 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। हस्तिनी नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, दानी, उदार, दूसरों का उपकार करने वाले, धनी और ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं। ये मेहनती, कुशल कार्यकर्ता, व्यापारी, वेदों के ज्ञाता और परिश्रम से उन्नति करने वाले भी होते हैं। ये मौलिक विचारधारा वाले, स्वाभिमानी, किसी पर अत्यधिक विश्वास करने वाले और हर कार्य में सफल होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, चंद्रमा, बुध और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में ही चलते रहेंगे। मेष राशि के जातकों के विचारों की परिवर्तनशीलता में सुधार मिलेगा और कार्य क्षेत्र में मन लगा रहेगा। पूरे दिन कार्य ऊर्जा मन मुताबिक और मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी। मगर चंद्रमा के आज भी छठवें घर में होने की वजह से यदा कदा स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी और मानसिक स्तर में उतार चढ़ाव संभावित है। मामा पक्ष से सहयोग मिलेगा मगर माँ के प्रति चिंता आज भी बनी रहेगी। कार्य योजनाओं की रचनात्मक सक्रियता जारी रहेगी और उसमें एक मिसाल कायम करेंगे। कुछ कामों में रुकावट व संघर्ष का संकेत मिलता है मगर मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता मिलेगी। बच्चों के प्रति दायित्व तो बढ़ेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा। आज अपने सामान के प्रति सचेत रहना चाहिए। वृष राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर द्वारा सारे काम होते जाएंगे। अच्छे कामों में खर्च और घर गृहस्थी संबंधी वस्तु में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र की व्यग्रता और जल्दबाजी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। बच्चों व घर परिवार से संबंधित जिम्मेदारी की चिंता संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। शाम के बाद का समय थोड़ा चिंता को बढ़ाने वाला हो सकता है मगर कुछ कामों में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए अधिकतर कार्य सुचारू ढंग से चलते रहेंगे मगर कुछ कामों में विशेष सफलता की उम्मीद बनती है। जीवन के नए आयाम स्थापित करने में पत्नी व ससुराल पक्ष का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और सब्र का फल मीठा होगा। गुरु की प्रेरणा बनी रहेगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शाम के बाद का समय प्रतिष्ठा को और बढ़ाने वाला होगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा और मंगल दोनों के नक्षत्र लाभदायक सिद्ध होंगे। कार्य क्षेत्र की रचनात्मक सक्रियता सुकून बढ़ाने वाली होगी और सफलता दिलाने में सहयोगी होगा। संबंधित मामलों में वाद विवाद या हस्तक्षेप से बचना होगा। कुछ विषयों पर निर्णय लेने में मन का अंतर्द्वंद्व सामने आएगा, फिर भी सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। पारिवारिक चिंता का उतार चढ़ाव संभावित है। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और व्यावसायिक निरंतरता बनी रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सहयोग मिलेगा और खर्च करने के प्रति आर्थिक संसाधनों के विकास की प्रवृत्ति बनी रहेगी और स्वयं के दुरुपयोग होने से अपने आप को बचाना होगा। पांचवें घर में शनि मंगल की युति आपकी कार्य ऊर्जा को बार बार प्रभावित करेगी और टालू प्रवृत्ति का विकास होगा। परिस्थितियों को देखते हुए अपनी कार्य योजनाओं को कल पर ना छोड़ें। अपने कार्य क्षेत्र में रचनात्मक पहल जारी रखें, सफल रहेंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अचानक लाभ के मौके संभावित हैं। पत्नी की प्रेरणा व सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। कन्या राशि के जातकों की सकारात्मक विचारधारा बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और हर्षित महसूस करेंगे। अभिभावक या सहयोगियों की प्रेरणा लाभदायी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव सामने आएंगे और उसको लागू करना लाभदायक रहेगा।
किसी बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन भाग दौड़, यात्रा प्रधान और खर्चीला रहेगा। साथ ही वाहन चलाने में सावधानी भी रखनी चाहिए, मगर शाम का समय सुकून और शांति भरा महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा, मगर व्यस्तता बढ़ेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, मगर आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार निर्धारित होगा। कार्य योजनाओं में विवाद व तनाव से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के आय संबंधी मामलों में विकास होगा और संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति की मानसिकता बनी रहेगी। अपनी कार्य क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। नई परियोजनाओं की क्रियाशीलता बनी रहेगी और लाभदायक प्रसंग सामने आएंगे। वाणी में मधुरता बनाकर रखें। कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक लाभ से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है। शाम के बाद आवश्यक संसाधनों में निवेश का योग बना हुआ है। बच्चों व संतान संबंधी मामलों में यात्रा संभावित है। संयम और धैर्य बनाकर काम करते रहें, फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। धनु राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र के उत्थान और निरंतरता को बनाए रखने की प्रवृत्ति और घर गृहस्थी संबंधी आवश्यक जिम्मेदारियों के निर्वहन की मानसिकता आज बनी रहेगी। अपने रचनात्मक प्रयास जारी रखें। कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी हुई है। मेहनत करने की प्रवृत्ति को कम ना होने दें। भविष्य में सुखद परिणाम अवश्य मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए धन की आवश्यकता महसूस होगी। हालांकि प्रशासनिक और सामाजिक सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, सफलता मिलेगी। मकर राशि के जातकों को अधिकारियों का पूरा सहयोग और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। शुक्र, सूर्य और गुरु का कारक भावों में होना हर क्षेत्र में सफलता दिलाने को प्रेरित करेगा। नई कार्य योजनाएं मिलती जाएंगी और आपके क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और निजी संबंधों में निकटता आएगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभावित है। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। हालांकि शासन सत्ता का सहयोग और अधिकारियों की अनुकूलता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, मगर भाग्यवश आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। शाम के बाद कुछ काम संपन्न होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। सफलता संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज दिन भर का समय कार्य क्षेत्र की सफलता और आर्थिक लाभ के लिए सहयोगी रहेगा। साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर शाम के बाद का समय व्यावसायिक मामलों में यात्रा कराने वाला हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चिंता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। प्रयास जारी रखें। महत्वपूर्ण निर्णय सूझबूझ और सोच विचार कर लें। सावधानी अपेक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।